मौला के नाम से शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं, अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम वाला है। मौला के लाखों लाखों शुक्राना अदा करता हूँ। एक बार फिर मौला ने मौका दिया आपसे भी जाके इलम बोलने का, और हाजरी तमाम इलम मिलत के भाई बहन, दुनिया भर के सभी इस्माइली भाई बहन बाद में जो रिकॉर्डिंग सुनेंगे वो, और इलम मिजालिस के काम में जो कोई भी खिदमत करता है, मौला मुर्तजा अली सही खुदाविन आलमीन अली सही अल्लाह सारी निक उम्मीदें पूरी करे, आमीन। मौला सबको अपने नूर में एक कर दे, आमीन। रूहानियों को मौला असल मुबारक में वासिल करे, आमीन। रोजियों पर जरा मेक श्योर कर दीजिए रिकॉर्डिंग था जी बराबर। जी हाँ, ओके ठीक है, थैंक यू, शुक्र मौला। आज आप अपने इमाम के लिए अपनी वफादारी और प्यार का एक बार फिर इजहार करने इकट्ठे हुए हो। इस मौके पर आपके साथ होने की वजह से हमारी खुशी गहरी और सच्ची है। हमारे सारे ख्यालात, हमारी सारी उम्मीदें, हमारी सारी दुआएं आपके लिए है। तुम में से हर एक को अपने मजहब का गहरा इल्म और सच्ची समझ होनी चाहिए। ये इल्म और समझ दूसरे हासिल करें इसके लिए जो कोशिश करते हैं, और जिन्होंने अपने मजहब को जानने का अपना मकसद बनाया है, उन्हें हम हमारे उम्दा प्यार भरे दुआ आशीष फरमाते हैं। आपका इश्क और ईमान कर हम बहुत खुश हुए हैं। ये दुनिया में हमेशा का दुख है, हमको भी दिल में दुख है। हम जब आपकी मोहब्बत देखते हैं तब हमारे दुख भूल जाते हैं। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं ऐसा हम बोलते हैं, अल्लाह कौन है? मौला मुर्तजा अली सही अल्लाह है। अल्लाह मेरा सलवात पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन व आले मुहम्मद। अली सही अल्लाह खुदा बिन हक मौलाना धनी सलाम दातार सरकार आका सुल्तान मोहम्मद शाह इमाम ने फरमाया, ईमान अनमोल चीज है और मौला को प्यारी है। हमारे दादा हजरत मौला मुर्तजा अली को मोहम्मद नुशेरी अल्लाह कहता था, उससे 70 मरतबा कत्ल किया गया फिर भी वो अली अल्लाह कहता रहा। बाद में हुक्म आया कि सच्चा मोमिन है और उसकी औलाद भी सच्चाई वाली होगी। ए मोमिन और उसकी औलाद को कयामत के दिन जवाबदेही नहीं है, इतना दर्जा इसको उसके ईमान के लिए मिला था। उसका ईमान सलामत रहा, उसका सब कुछ सलामत रहा, लिहाजा अपने ईमान में कभी भी खलल नहीं होने देना। अल्लाह मेरा सलवात पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन व आले मुहम्मद। सतगुरु कह रहे सतगुरु कह रहे धर्म तो साचो ईमानो ईमान ये ईमान नमशे परमान सु दास हमारा जान रे
भाई ते दास हमारा जान कई दिन था कायम पाया शब्द पाया ए जी अली ते तो सही अल्लाह ओछो नहीं रे लगा हमें एने मानियो ते दकसो एनु नाम छे जलन शाहो छे तो रिखी सरो गुर कहे सच्चा सत गुरे हे मैया मारो जान जो ते मौला मुर्तजा अली अवतार अली अल्लाह एक करी जान माहे शकम यान जो लगा के तो रिखे सरो गुर कहे साचा सतगुरे जनाब तमे सांभलो परवर दिगार अली अल्लाह एक फरमा नो ते कौन कर छे एत आर छे तो रिखे सरो गुर कहे साचा सत गुरे ए जी अली अल्लाह जे कोई मानशे तेनो पीरते नबी मोहम्मद अवतार जे नबी जी ने आल माहे थी उपजशे ते पीरा मुसल्ले सारे तो रिखे सरो गुरा कहे
અમારો જીવ છે ઉમેદ છે તો રેખી સરો ગુર કહે સાચા તત ગુરે હે મહિયા જિંદા કાયમ પાયા શાકિર પાયા યા અલી બિલુફિક અદરિકની ઓ અલી આપકી રહેમત સે હમારી મદદ કો પહોંચો મૌલા મુર્તઝા અલી કી મદદ હમ માંગતે હૈ મૌલા મુર્તઝા અલી કૌન હૈ મૌલા મુર્તઝા અલી હૈ વો ઇલ્મ કા સમંદર હૈ મૌલા મુર્તઝા અલી સહી અલ્લાહ હૈ અલ્લાહ યાને કે ખુદા મુર્તઝા અલી ને ફરમાયા હૈ કે જિસને અપને આપ કો પહેચાના ઉસને ગોયા ખુદા કો પહેચાના હાજર ઇમામ કો પહેચાન કર જો ઇબાદત કરેગા ઉસકી હી ઇબાદત કબૂલ હોગી કામ આયેગી ઓર સબ કુછ અચ્છા હોગા તુમ્હારા અપના રૂમ અસલ મકામ પર પહોંચે વો અચ્છા તુમ્હારા રૂહ એક દરિયા કી માની હૈ મે એક સમંદર હું તુમ્હારે રૂહ કા આખરી સિરા સમંદર મે યાને મેરે અપને મે હૈ આજ હમ ઇન્શાલ્લાહ કલામે ઇમામ મુબીન પાર્ટ વન મે જો રૂહાની સમજ કે ફરામીન મુબારક હૈ ઉસમે ફરમાન નંબર 51 મુફરમાન ઉસકા હોમવર્ક નંબર 2 ઉસકી હમ સમજ હાસિલ કરને કી ઇન્શાલ્લાહ કોશિશ કરેંગે તો ઉસકે પહેલે મે થોડી બાત કરના ચાહતા હું ઇન્ડિયા સે એક ફોન આયા થા તો વો બતા રહે થે કે ઉનકે કોન્ટેક્ટ મે કોઈ આયા હોગા ઓર હમારી લાઇન પે ઇલમ સુનતે હોગે તો દેખો હમારા હોમવર્ક ચલતા હૈ તો મંડે ટ્યુઝડે વેનસડે 3 દિન જો લોગ ને ફરામીન ઓર કલામ યાદ કિયે હૈ ઓર રેગ્યુલર ઘર પે ઇલમ પઢતે હૈ વો હોમવર્ક કરતે ઓર વો વાચ કરતે હૈ રાઈટ તો વો હોમવર્ક પે સબ અપની અપની સમજ દેતે હૈ બરાબર તો 3 દિન વહી હોમવર્ક ચલતા હૈ ઓર કાફી લોગ વાચ કરતે હૈ ઓર થર્સડે કો ભી મે વહી હોમવર્ક કી સમજ દેતા હું રાઈટ તો હમ 4 દિન લાઈન પે રહેતે હૈ ઓર એક હી હોમવર્ક હોતા હૈ ફ્રાઈડે કો અભી હમ દુઆ કી ફલસફા સમજ રહે હૈ લેકિન 4 દિન હમારે હોમવર્ક પે વાચ કી જાતી હૈ તો શાયદ કિસી કો એસા લગતા હોગા કે સબ એકસા હી બોલા જા રહા હૈ રાઈટ લેકિન દેખો અગર શનાખત હૈ સો સબ એક હી હૈ તો મૌલા ને ફરમાયા કે મેં કહેતા હું જો કુછ હૈ વો રૂહી હૈ મેં કહેતા હું જો કુછ હૈ વો યા અલી હૈ ઓર યા અલી કો પહેચાનના હકીકત હૈ ઓર ફિર ઉન્હોને ગિનાન મેં ફરમાયા કે સબ ગઢ એક હી રહેમાન દિસે તો શાન એ શાન એ શાન તો દેખો યે ખ્યાલ હોના ચાહીએ લેકિન હમકો સબ એક દિખતા હૈ ઓર હમકો દેખો સમજો કે હમારી ઉમર 60 સાલ કી હો ગઈ હૈ જબ સે જન્મ લિયા તબ સે માં કી ગોદ મેં હમ 3 વક્ત કી દુઆ પઢતે હૈ બરાબર જબ હમ ખુદ સમજદાર હો ગયે ઓર નાઇટ સ્કૂલ મેં જાને લગે 5-1 સાલ કી ઉમર મેં તબ સે હમ દુઆ પઢતે હૈ રાઈટ હમકો દુઆ આતી હૈ તબ સે 3-5 સાલ કી ઉમર સે તો કભી હમને યે નહીં કહા કે એ રોજ 3 વક્ત કી દુઆ પઢતે વોહી પઢતે હૈ રોજ ઓર અરબિક મેં પઢતે હમારી માદરી જબાન મેં ભી નહીં પઢતે રોજ બંદગી કરતે હૈ ખિદમત કરતે હૈ તો ઉસકે બારે મેં તો હમ કભી નહીં બોલતે કે સબ એકસા હૈ
तो इलम के बारे में हम जब बोलते हैं कि सब एक ही जैसा बोला जा रहा है, ओके, तो देखो ये होने वाला है उससे पहले ही मौला हमको समझा देता है। लास्ट इलम मिजालिस में लास्ट गुरुवार को इसके बारे में जिक्र किया गया था। तो हमको मिठास क्यों नहीं आती है इलम में, तो उसकी वजह बताई मौला ने कि किसको मिठास आएगी। हमारे परामीन जो समझ पाएगा उसको मीठे लगेगा और किसी को मीठे नहीं लगेगा, बराबर। तो समझने के लिए क्या करना चाहिए, तो उसके ऊपर मौला ने फरमाया कि हमारे परामीन पे 2 घंटा सोचना। सिर्फ सुनने और पढ़ने से मिठास नहीं आएगी, सोचना पड़ेगा। सोचोगे तो समझ आएगी और जो हमारे परामीन समझ पाएगा उसको ही मीठे लगेगा। तो इलम ज्ञान से प्रीति होगी, मोहब्बत होगी, जिसके लिए मैं आगे भी ये बात का जिक्र मैंने आपके आपके लिए किया है कि हजरत इमाम मोईस सही खुदा बिन आलमीन मौला इजिप्ट में कैरो में राज करते थे। मौला ने एक फरामीन फरमाया है कि अगर मौला तो खुद सही खुदा बिन आलमीन है, लेकिन हमको समझाने के लिए मौला बोलते हैं कि हमारे पे खुदा ने दुनिया की जवाबदारी न डाली हो, तो इलम के अंदर जो लिज्जत और लुफ्त है उसको पाने के लिए, उसको हासिल करने के लिए हमने दुनिया को एक तरफ फेंक दी हो, तो ऐसी लिज्जत और लुफ्त है इलम के अंदर। अगर हम उसके पाने के लिए कोशिश करें, सोचे तो हमको समझ आवे और मिठास आवे, राइट, उसके बिगर नहीं आएगा। तो इलम सिर्फ वो भी इबादत है, अकाली शाह मापा फरमाते हैं कि आंखों से इलम पढ़ना खुदा की इबादत है, कानों से इलम सुनना खुदा की इबादत है, जबान से इलम बोलना खुदा की इबादत है, राइट, और हम हमारे दिमाग से मौला के फरमान और कलाम याद भी करते हैं, वो भी खुदा की इबादत है। लेकिन ये सबके अंदर जो मौला ने बताया कि हमारे फरामीन आपके रूह को पहुंचाओ, वो सबसे आला चीज है। जब तक रूह को नहीं पहुंचेगे, दिल यानी कि रूह, तब तक ये जो हमारा ध्यान है वो सब जगह पे भटकता रहेगा, बराबर। तो मकसद है कि ये फरामीन जो रूहानी इल्म है हमारे दिल को, हमारे रूह को टच होना चाहिए, हमारे रूह तक पहुंचना चाहिए, ना सिर्फ आंखें कान और जबान तक ही महदूद रह जावे, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे रूह तक पहुंचना चाहिए। तो ये बात का हम बराबर गौर करें और हम देखो ये रूहानी इलम बोला ऐसा है कि किसी का भार नहीं रखता। किरोने गिनान में फरमाया कि सामी मारो ये वो कि कोई नो ना रखे भार, सामी ने आलो एक बार तो सामी आले सो सो वार। मौला किसी का भार नहीं रखेगा। हम टाइम निकाल के ऑनलाइन आके इलम जाली सुनते हैं, जो कोई जेन्युइन रीजन है और ऑनलाइन पे नहीं आ सकते, बाद में रिकॉर्डिंग सुनते हैं बाद में, और हम इलम बोलते हैं, याद करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, होमवर्क करते हैं, कोई चीज का भार मौला नहीं रखेगा, उसका बदला मौला जरूर देगा। लेकिन ये रूहानी इल्म उसके लिए है कि मौला फरमाते कि आप भी फना फिल्ला हो, सबके लिए मौला चाहते हैं कि हम इसी जन्म में मौला के नूर में एक हो जावे, तो वहां तक हमको ख्याल करना है। तो उसके लिए मौला ने फरमाया कि आप ऐसे ख्याल करो कि भला खुदा कौन है और मैं खुदा में क्यों न समाऊं। आप ऐसी उम्मीद रखो, आप ऐसे ख्याल नहीं रखो कि हमने फरामीन बेफिजुल फरमाए हैं, हमारे फरमान पढ़ो सुनो और सोचो, सोचने को भी बोला है। जिस तरह हजरत ईसा खुदा में फना हुए थे, इस तरह फना हुए थे, आप भी फना फिल्ला हो, फना कुछ नहीं, फी अंदर अल्लाह खुदा, फना फिल्ला खुदावन ताला की जात में नाबूद हो जाना। तो ये सारी बात का हम ख्याल करेंगे बराबर, तो हमारी मोहब्बत इल्म के लिए बढ़ती जाएगी और वहां तक बढ़ेगी कि अभी हम 2 घंटे के लिए इलम मजालिस में है, लेकिन मौला मुर्तजा सही खुदा आलमीन फरमाते हैं कि रैन दिन मिलो जाए इलम मजलिस में। आपका फजीलत और सारा वक्त अपने रूह को पहचानने के लिए है। इलम मजलिस में ऐसा मिलना जो शक्कर मिलती है संग दूध, तो पहले दूधते है तो उसका स्वाद नहीं आता है, फिक्का लगता है, लेकिन उसमें शक्कर डाली जाए और शक्कर अपना वजूद दूध के अंदर गवा देवे और दूध के अंदर एक हो जावे, बाद में दूध पीते हैं तो मिठास आती है।
तो शक्कर का दूध के साथ अपना वजूद घुमा देना, उसका मतलब ये होता है कि फरमान पर हम इतना सोचे कि हमको जो मौला हकीकती समझ देना चाहता है वो बातूनी इलम, वो रूहानी इलम हमारे दिल में रोशन हो जाए, लेकिन उसके लिए हमको इलम के अंदर फना हो जाना चाहिए। इलम मरतबा दरिया जैसा जिसका वार न पार, बहुत गहरा है बेहद उमदा, उसमें चीजा अनंत अपार, जे कोई उसमें गोथा कावे यानी इलम में गोथा कावे और आप फना हो जावे, फना यानी कुछ भी नहीं, खुद का वजूद इलम के अंदर दबा देवे, इलम के अंदर एक हो जावे, सोही और कोई नहीं, सोही अमूलक साई अपना मोती ऊपर ले, वो अपने रूह की पहचान हासिल कर सकता है। तो इलम मजलिस में कैसा मिलना चाहिए, मौला ने फरमाया, अभी हम इलम सुन रहे तभी भी और जब घर पे इलम पड़े तभी भी, ऐसा नहीं कि मौला ने फरमाया जब तक हम यहाँ जाहिर में हाजिर है तब तक हमारे फरमान पढ़ो और हमारे तशरीफ ले जाने के बाद आप नहीं पढ़ो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे इमाम को हाजिर समझते हो वैसे हाजिर समझना, हम भी आपके पास हाजिर बैठे हैं। तो यहाँ हम एक ध्यान से इलम हमको सुनना है दो घंटे, उसके बाद भी हमको टाइम निकाल के इलम पढ़ना है, उस पे सोचना है, ये मौला चाहते हैं। इलम मजलिस में ऐसा मिलना जो शक्कर मिलती है संदूद, जब इलम में हिल मिल जावे तब पावे दिल का मकसूद। जब इलम में हिल मिल जाओगे ना, जैसे शक्कर अपना वजूद गवा देती है दूध में और हिल मिल जाती है तब उसको अपना मकसद हासिल होता है यानी मिठास आती है दूध में, इस तरह हम अपना वजूद इलम के अंदर गवा देंगे, इलम में फना हो जाएंगे, हिल मिल जाएंगे, तो क्या होगा, तब पावे दिल का मकसूद। दिल का जो मकसूद है, दिल यानी कि रूह, तो रूह का मकसूद क्या है, इंसान का मकसद है कि असल मकान पे पहुंचे, तो वो मकसद तभी हासिल होगा। मन अरब यानी खुद के रूह की पहचान इलम में, सो फिर कामिल से पावे रैन दिन लो जाए इलम मजलिस में, ना सिर्फ दो घंटा, बोला चाहता है कि रात दिन। तो हमको लगता है रात दिन कैसे हो पाएगा, लेकिन इसकी बरकत होती है, हम एक ध्यान से दो घंटे इलम सुनेंगे तो हमारे दिल में ये मोहब्बत होगी कि हम घर पे इलम पढ़े, हम भी इलम सीखे, हम भी होमवर्क करें, हमारी रूह की सच्ची समझ हकीकती समझ हासिल करें, हमारा मतलब का गहरा इल्म हासिल करें जो मौला सबकी ओर से चाहता है। तो आप मुझे एक मरतबा चाहते हो, मैं आपको 100 मरतबा ज्यादा चाहता हूँ, आप एक कदम मेरी ओर बढ़ा के आते हो मैं 100 कदम आपकी ओर बढ़ाता हूँ, इस तरह इसकी बरकत होती है। और ये बात रेन दिन, हम सोए भी होते हैं, हमारा जिस्म सोया होता है, पिंड सोवे ने हंस जागे, हमारा जिस्म सोया होता है लेकिन नूर की बारिश हो रही है, बदन सोया हुआ है लेकिन दिल के अंदर नूर की बारिश हो रही है, जो पीरों ने फरमाया क्या क्या जगमग जगमग थाए से के वर्षे से मोती रहे, मोतियों की बारिश हो रही है, कौन सी मोतियों की, जब हम फराबीन के लिए मुंह खोलते हैं तो मोतियों के ढेर देते हैं, माहे वर्षे अमृत नूर, मेरे दिल के अंदर नूर की बारिश हो रही है, फिर फरमाते हैं तमे नूर माहे खेल जो रे लोल, आप भी नूर में खेलो, हमको नसीहत की बात में। तो ये बनता है शोर कलाम में, फरमान में, गिनान में, सब बताया है मौला ने पीरों ने। तो मन अरफ का भेद इलम में, सो फिर कामिल से पावे रैन दिन मिलो जाए इलम मजलिस में, तो भेद मुर्शिद बतलावे। फिर सदर दिन की हालत, फिर हसन कबीरदीन साहब की हालत हुई तो बोलते हस्तनी हस्तनी जैसे जो जीव है ना वो गिनान में राचे, वो हमारे फरामीन वही गिनान है, वो रात दिन फरमान के इलम के ख्याल में रहते हैं। तो क्या होता है, हस्तनी के ऊपर दर्जा है वो मोहब्बत का है, रूहान इश्क का है, तो पदमणी तो प्रेमे राचे, हस्तनी है वो रात दिन इलम में रचे पचे रहते हैं, ऐसे जीव जब वो इलम पे ध्यान रखता है, कलाम खुदा का याद किया, याद किया तो बैठे मत रहो, उस पे सोचो, नींद पढ़ो, तो क्या होगा, जो तुम दिल बसे रब का ने, मौला का रूहानी इश्क हमारे दिल में बस जाएगा, बराबर। तो जो रूहानी इश्क दिल में बस जाएगा वो हालत पदमणी की है, और वो प्रेमे राचे, वो मोहब्बत में रचे पचे रहते, और जो मोहब्बत मौला की रूहानी दिल में बस गया तो उसको उसकी बुलंदी तक ले जाओ, जो इश्क बराबर हो गए तो ईमान रूह के साथ एक हो जाता है। सतगुरु कह रहे पूरी प्रीते पियो मिले अने वन प्रीते दुरज होए, जे जल मते कमलड़ी तेरे अंग न बेटे तो प्रेम भक्ति हृदय बसे, बाद में प्रेम है ना रूहानी इश्क वही उसकी भक्ति हो गई।
जो इलम ईमान सब जिक्र कहे, इलम भी जिक्र है, खुदा का याद करना है, इलम के रिलेटेड जितना भी काम करते हो वो भी जिक्र है, इबादत है, ईमान रखना वो भी जिक्र है जो मौला ने हमको रखने के लिए कहा गया है, वो भी जिक्र है, और इश्क भी इबादत है, प्रेम भक्ति हृदय वसे, और जो मोहब्बत के अंदर चला गया रूहानी इश्क में, उसको मौला फरमाते हैं कि आप अपने हाजिर इमाम के लिए इश्क रखो, उससे आला बेहतर चीज और कोई नहीं है, आप अपने मौला के इश्क में मदहोश रहो, ऐसा इश्क रखो कि वो इश्क में और इश्क में जिंदगी खलास हो जाए, जो इश्क बराबर होवे तो ईमान रूह के साथ एक हो जाता है। तो हमको एक जैसा लगता है, फिका लगता है, तो देखो हमको हमारे अंदर तपास करनी चाहिए। असग रफरीउल्लाह मौला ने फरमाया कि जो खुद खोटे हैं, गलत है, वो हमको गलत बोलते हैं और खुद के हमारे पे डालते हैं, लेकिन हम किसी को खोटा नहीं कहते, हम सबर करते हैं, सबर हमारी मीरास है, हम सबर करते रहेंगे, हमारा घर सबूरी का है। तो हमको फिका फिका लगता है, सब एक जैसा लगता है, तो इसका मतलब हम तपास करें हमारे अंदर, हम सीधे ही कोई डिसीजन पे नहीं आ जावे जजमेंट पे कि ऐसा है वैसा है, हमारे दिल के अंदर तपास करो। मौला ने तो निशानियां बताई कि इलम ज्ञान से मोहब्बत होनी चाहिए, पीरों ने भी अपनी हालत बताई कि हमको ऐसा हुआ इलम ज्ञान से मोहब्बत करते हुए, हमको नहीं होता है तो कमी हमारे के हमारे अंदर है। मौला ने तो पूरे पूरे फरमान फरमाए, हम आपको चाहे नशीहत करते हैं, हम आपको पूरे पूरे फरमान करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा रूह इलम वाला नहीं हुआ है। फरामीन सिर्फ हमारी आंखों तक, कान तक, जबान तक रह गए हैं, हमारी रूह को नहीं पहुंचे। अगर हमारी रूह को पहुंच जावे ये इलम, तो हमारा रूह इलम वाला हो जावे। और मौला ने फरमाया कि इलम वाला रूह दर्जात दर्जात ऊपर चढ़ेगा, एक दादर पूरा करके दूसरे दादर पे चढ़ पाएगा। हम नहीं चढ़ पाते हैं क्योंकि हमारा रूह इलम वाला नहीं हुआ है, फरामीन हमारे रूह को नहीं पहुंचाया। हमारे रूह और मौला के फरामीन के बीच में एक दुनिया की मोहब्बत बढ़ाए, बदआमाल, शक, वसवसा, घेर समझन, समझ नहीं है, जाहिरी चीजें पे हमारा लगाव ज्यादा है बातून से, ये सारी चीजें हमारे और मौला के बीच में, मौला जो रूहानी इलम समझाने चाहते हैं उसके बीच में एक बड़ी दीवार बन के खड़ा हो गया है। वो दीवार को तोड़ो तो ये फरामीन हमारे रूह को पहुंचेगे, तब जाके हमारा रूह इल्म वाला होगा और दर्जात दर्जात ऊपर चढ़ेगा। तो ये सारी चीजों पे गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, जो समझता नहीं है उसके दिल में हमारे फरमान गढ़ नहीं बैठते हैं। तो समझना चाहिए ना, समझने के लिए सोचना चाहिए, समझोगे सोचोगे तो समझ आएगा, समझोगे तो दिल में गढ़ बैठेंगे और एतबार आएगा। जो समझता नहीं उसके दिल में कैसे गढ़ बैठेगा और वो कैसे एतबार लाएगा। तो ये पूरी लिंक है, मौला सबसे ऊपर है, उसके नीचे ईमान है, ईमान के नीचे दिल के अंदर इलम गढ़ बैठना है, दिल के अंदर तब गढ़ बैठता है जब हमको समझ आती है। समझ के लिए सोचना पड़ता है, सोचने के लिए हमको इतना इलम याद करना पड़ता है, याद ही नहीं है तो किस पे सोचोगे। हमको एक ध्यान से सुनना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, याद करना पड़ता है, बराबर। तो ये सारी चीजें मौला ने बताई, हम गौर करें, एक जगह पे बैठे नहीं रहे। जिसे इलम नहीं है वो तो कहेगा कि मैं तो किधर भी नहीं जाता, किधर बैठा हूं। तो एक ही जगह पे बैठने का रीजन क्या है, कि इलम रूह को नहीं पहुंचे। तो ये सारी चीजों का हम ख्याल करें। तो अभी जो लोग घर पे है और कंफर्टेबल है, वो अपनी फरामीन की बुक खोल के बैठे तो आपको थोड़ी समझने के लिए आसानी होगी, पाओगे। तो गुजराती में है कलाउम्बिन पार्ट वन, उर्दू में भी है कलाउम्बिन पार्ट वन, फरमान नंबर 51, और गुजराती में उसका पेज नंबर है, उर्दू में मुझे पता नहीं क्या पेज नंबर है, गुजराती में पेज नंबर है 131, 131, और नीचे की लास्ट लाइन फरामीन है, वहां से हम शुरू करते हैं होमवर्क नंबर 2। तो कलाउम्बिन पार्ट वन रूहानी समझन के फरामीन है, उसमें फरामीन नंबर 51, उसमें होमवर्क नंबर 2। पहला फरामीन है, ये
शुक्रिया जी। दूसरा पैराग्राफ है, लास्ट सेकंड लास्ट पैराग्राफ पर आमीन का। तुम सोचो कि सिमर और यजीद कौन थे। अभी भी कई सिमर और यजीद है, मैं गुजरात में भी पढ़ता हूँ, कोशिश करूंगा टाइम है तो। के सिमर ने यजीद कौन था, हमारा पर घना सिमर ने यजीद छे। बोला फरमाते हैं कि तुम सोचो सिमर और यजीद कौन थे। अभी भी मौला ने फरमाया, अभी भी कई कई लोग सिमर और यजीद है। तो और आगे मौला ने फरमाया, यजीद हमेशा कुरान पढ़ता था और सिमर को कुरान याद था, लेकिन पैगंबर की औलाद के दुश्मन थे। तो यजीद हमेशा कुरान पढ़तो तो अने सिमर ने कुरान याद हतू, पण पैगंबर नी औलाद ना दुश्मन था। तो हम इसको फरामीन को समझने की कोशिश करें। तो एक मिनट, तो यहाँ मौला ने सिमर और यजीद के नाम का जिक्र किया और मौला ने फरमाया कि आप सोचो सिमर और यजीद कौन था। तो पहले हम इसकी जाहिरी बात समझते हैं कि जो यजीद था तो वो मुआविया का बेटा था, और जिसने मुआविया के बाद वो खलीफ बना था और हजरत इमाम हुसैन को उसने शहीद करवाया। अपना सिपे सालार था सिमर, सिमर था वो यजीद का सिपे सालार था। ओके, तो यजीद का जो बाप था वो मुआविया था और मुआविया का बाप था अबू सुफियान था। जो अबू सुफियान रसूलुल्लाह पे नबूवत नाजिल हुई तो तब से वो रसूलुल्लाह की दुश्मनी करते थे और कभी उन्होंने इस्लाम का कलमा नहीं पढ़ा और मौला के वो नबी साहिब को बहुत तकलीफ देते थे, उनकी नबूवत कबूल नहीं करते थे। और बाद में ये लोग मुसलमान हुए थे। तो ये जो अबू सुफियान था वो जो इस्लाम की पहली जंग थी जंगे बदर, उसके मक्के से काफिरों लोगों को लेके आए थे और रसूलुल्लाह और उमर पे हमला करने के लिए, और उसने तकरीबन हजार से ज्यादा काफिर लोग थे। अबू सुफियान उनका लीडर था, जो यजीद का दादा था, मुआविया का बाप था, और सामने 313 मुसलमान थे और इस्लाम की जीत हुई थी उसमें। उसमें अबू सुफियान मारा गया था, और अबू सुफियान मारा गया था तो ये लोगों को उसकी बीवी थी हिंद करके, उसको बहुत बुरा लगा था। और बाद में वो लोगों ने उस चीज का बदला लेने की जो दूसरी जंग थी जंगे ओहद, जिसमें इस्लाम की जीत होने आई थी, लेकिन मैंने आपको आगे बताया था कि ओहद की पहाड़ी को छोड़ दिया माले गनीमत के लिए और इस्लाम जंग जीतने आए थे, वो बाद में हार गए। तो उसमें रसूलुल्लाह के चाचा हजरत हमजा थे, हजरत हमजा ने अबू सुफियान को मारा था। तो बदला लेने के लिए मुआविया की माँ अबू सुफियान की बीवी ने हजरत हमजा को शहीद किया था जंगे ओहद में, और उनका उनको शहीद करके उनका कलेजा निकाल के चबाया था। तो ये लोगों को पहले से ही रसूलुल्लाह और मौला मुर्तजा की दुश्मनी थी। और यजीद के ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर और हजरत इमाम हुसैन के ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, वो दोनों एक ही थे, वो अब्दुल मुनाफ थे। तो ऐसे मौला ने आगे फरमाया कि रिश्ते में हजरत इमाम हुसैन का ये यजीद भतीजा लगता था, बराबर। तो ये हमने जाहिरी चीजें सुनी कि क्या था और क्यों ये लोग दुश्मनी करते थे, बराबर। तो यहाँ मौला ने बोला कि आप सोचो कि सिमर और यजीद कौन थे, बराबर। लेकिन मौला ने क्या फरमाया, अभी भी कई
एक दो नहीं बोला, कई सिमर और बराबर है। तो देखो क्या किया था सिमर यजीद मुआविया के बाद, हमको पता है मुआविया ने मौला मुर्तजा अली इस्लाम, मौला मुर्तजा अली इमामत और अच्छा खिलाफत के गद्दी के वारिस थे, लेकिन इमामत तो रूहानी चीज है, वो मौला के पास ही रहेगी और खिलाफत भी मौला की थी, लेकिन ये लोग अपने आप खलीफा बन बैठे अबू बकर उमर उस्मान, और उस्मान ने कुरान में फेरफार किया, उसकी वजह से उनका मर्डर हो गया, और उसके बाद ये लोगों ने बहुत मौला को, मौला के घर बैठे बाहर बैठे रहे दिन रात तीन दिन तक, और मौला को कगरते रहे कि आप खलीफा बनो खलीफा बनो इस्लाम के। तो पहले मौला ने ना बोला, लेकिन ये लोगों ने बहुत आजीजी वो किया, तो मौला चौथे खलीफा बने। बाद में मुआविया जो यजीद का बाप था उसने दंगे सिफिन में मौला किया, तो बाद में कुरान को नेजे पे चढ़ाया, मौला अली का लश्कर फरेब में आ गए, और बाद में सुलह हुई और सुलह में ये दाव पेच खेला मुआविया ने, और वो खलीफा बन बैठा। तो मुआविया के बाद उसका बेटा यजीद खिलाफत पे आया, और यजीद करबला में जो वहां पे यजीद सबको तकलीफ देता था मुसलमानों को, तो हजरत इमाम हुसैन करबला नहीं थे, शायद मदीना में थे, तो ये लोगों ने मौला को फरीदा भेजा, खत भेजा कि मौला आप आओ हमको यजीद के चुंगाल से बचाओ, हमारे पे बहुत जुल्म हो रहा है, हम आपकी बैयत करने को तैयार है। तो मौला ने इन लोगों पे विश्वास नहीं किया, तो बाद में ये लोगों ने वापस बहुत खत भेजे, तो मौला ने अपने भाई को मुस्लिम बिन अकील को भेजा कि देखो जाओ, तो ये बोले कि नहीं हम बैयत करने को राजी, आप मौला को बुलाओ। तो मुस्लिम बिन अकील ने हजरत इमाम हुसैन को बुलाया कि मौला ये लोग आपकी बैयत करने राजी है, तब मौला करबला गए। लेकिन ये लोगों ने बैयत करने के बाद बैयत तोड़ दी और मौला को शहीद होने के करने के लिए तैयार हो गए ये लोग। तभी मौला ने फरमाया कि इमाम इमाम कहते थे लेकिन अपने इमाम को शहीद किया, इमाम को शहीद करने वाले और कोई नहीं थे, सब मुसलमान थे, मुसलमान तक ही बात नहीं थी, इमाम इमाम कहते थे लेकिन अपने इमाम को शहीद किया। तो देखो ये जाहिरी बात है, मौला ने फरमाया आप मेरे फरमान लिखो पढ़ो और उस पे अमल करो, हमारा फरमान लखो वाचो ने अमल करो, जो तेम नहीं करो तो तेने मारी नाख्या गणाय, अने एम करो तो एने जीवता राख्या गणाय। तो हमारे फरमान लिखो पढ़ो और उस पे अमल करो तो फरमान जिंदे रखे ऐसा कहा जाएगा, नहीं तो आपने उसको मार दिया ऐसा कहा जाएगा। तो ये सारी चीजें है ना हमारे अंदर ही है, खुदा का नूर का दिया भी हमारे अंदर है, मौला ने फरमाया शैतान का दिया भी आपके अंदर है जो आतिश की बारिश बरसाता है, और खुदा का नूर का दिया वो नूर की बारिश बरसाता है। ये सारी चीजें हैवान की हालत, इंसान मोमन हकीकती, मोमन हकीकती पैगंबर, ये सारी हालत है, यहाँ तक के मौला मुर्तजा अली का नूर भी हमारे अंदर है। ये सिमर यजीद माविया ये सारी चीजें मौला जो बताते हैं, और ये 1400 साल पहले की बात बताते हैं, लेकिन मौला क्या बताते हैं कि अभी भी सिमर और यजीद है। तो 1400 साल पहले सिमर यजीद हो गया तो मौला क्यों फरमाते हैं कि अभी भी सिमर और यजीद है। तो ये सारी एक एक चीज फरमान के अल्फाज, मौला ने फरमाया हमारे फरामीन के एक एक अल्फाज की मायना निकालो, उसमें भेद और खूबियां है उसको आपको समझना चाहिए। तो ये सारी चीजें एक एक फरामीन के जुमले लेके हमको हमारे अंदर देखना चाहिए कि खुदा ना खास्ता हमारे में तो कोई शैतानी फितरत नहीं है ना, हमारे ख्याल बातुन सोच सब पाक है कि नहीं। तो हम फरामीन लिखते हैं और पढ़ते हैं और उस पे अमल करते हैं बराबर, तो हम फरामीन जिंदा रखते हैं बराबर। अगर कोई कहेगा कि कोई वो बड़ी उम्र का है पढ़ना लिखना नहीं आता है, तो मौला ने फरमाया कि ये बात लिख दो सीने पाटी, ओके, ये जो मेरी बातें है ना मेरी नशियत की बातें मौला फरमा वो आपके दिल पे लिख दो, आपके सीने की पाटी पे लिख दो, हम पाटी पे लिखते है ना पेन से, इस तरह आपके हृदय पे लिख दो, जैसे हम यहाँ पे सब टैटू कराते है ना जिस्म पे, बाद में उसको मिटाया नहीं जाता, कैसा टैटू हो जाता है,
इस तरह ये मौला की जो बातें हैं हमको हमारे दिल पे लिख देनी चाहिए और हमको हमारी मादरी जबान में लिखना पढ़ना आता है तो लिखना पढ़ना चाहिए, नहीं आता है तो हम जो हम रिकॉर्डिंग सुन के उस पे सोचे, जिसको पढ़ना नहीं आता है उसकी बात करता हूँ, जिसको पढ़ना नहीं आता वो अपने सबको लिखना है, अपने दिल पे लिख देवे तो हमारे फरमान लिखोगे पढ़ोगे अमल करोगे तो फरमान को जिंदा रखा ऐसा होगा, नहीं तो मार डाले, राइट। तो बाद में वही बात हो जाती है जो सिमर यजीद ने की, बराबर। उसलिए मौला फरमाते हैं कि यहाँ अभी ये सिमर और यजीद है, बराबर। तो ये यजीद और सिमर थे और मौला के घर के दुश्मन थे। अभी हम आगे पढ़ते हैं। यजीद हमेशा कुरान पढ़ता था, सिमर को कुरान याद था, लेकिन पैगंबर की औलाद के दुश्मन थे। अभी यजीद और जो सिमर का जमाना है वो मौला मुर्तजा अली जब कुरान लेके मस्जिद गए और लोगों को फरमाया कि आप ये रसूलुल्लाह ने मुझे बताया था आप ये कुरान लो, तो उन्होंने बताया कि हमको आपके किताब की जरूरत नहीं है, आप जो कुरान लेके आए हमारे पास हजरत उस्मान का कुरान बस है, बराबर। तो मौला ने फरमाया कि मेरे पास जो कुरान है जो असल कुरान है उसकी रति बार जितनी भी आपको कयामत के दिन तक पता नहीं चलेगा, बराबर। तो इनके पास जो था वो हजरत उस्मान का कुरान था और जो मौला मुर्तजा अली की डायरेक्ट शनाकत है कि अली ही सही अल्लाह है, वो सारी चीजें जो निकाल दी गई है वो कुरान इनके पास था, क्योंकि वो कुरान असल था वो तो मौला मुर्तजा अली अपने साथ घर पे ले गए, राइट। तो अभी मौला जो फरामीन फरमा रहे हैं, मौला का घर यानी नूर का दरिया, मौला जो मुर्तजा अली इल्म का दरिया है उसी में से वो फरामीन आ रहे हैं, बराबर। तो ये इनके पास फेरफार वाला कुरान था, जैसे हम पढ़ते हैं कि वक्कुल शैना शैना उफी इमाम मुबीन, यानी सारी चीजें सारे शय सारी चीजें हाजिर इमाम में समो दी गई है, और ये लोग पढ़ते हैं कि सारी चीजें किताब मुमिन किताब में समो दी गई है। तो इनके पास ये कुरान था, वो कुरान वो पढ़ते थे, यजीद और सिमर को कुरान याद था, बराबर। लेकिन वो पैगंबर की औलाद के दुश्मन थे। तो देखो कुरान में फेरफार है, बराबर है, और हमारा कुरान मौला के फरमानी है, लेकिन यहाँ सिमर और यजीद चलो फेरफार वाले कुरान पढ़ते थे, लेकिन हमारे पास तो मौला ने फरमाया कि हमारे मोमन के लिए फरामीनी काफी है, कुरान गिनान और हदीस में है, उससे 100 गुना हम आपको फरमान में अच्छी तरह समझाते हैं। लेकिन जो मुद्दे बोलते ना, मुद्दे लाख पूरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो खुदा का नूर का जो दिया है उसको कोई बुझा नहीं सकता, यानी कि हाजिर इमाम की शनाखत। तो जो लोगों के पास ओरिजिनल कुरान नहीं था, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था, लेकिन आगे लोग ऐसे जिन्होंने फेरफार कर दिया और जो इनोसेंट थे उनके पास वो फेरफार वाला कुरान होता है, लेकिन उसमें भी मौला कई जगह पे ऐसी शनाखत रखते हैं। जैसे नासिर खुसरू को कुरान पढ़ते हुए ऐसा महसूस हुआ कि हिदायती नूर है और रसूलुल्लाह के बाद खत्म नहीं हुआ है, अस्तगफुरुल्लाह, रसूलुल्लाह ने अपना वारिस दुनिया में रखे गए हैं और वो हाजिर इमाम दुनिया में मौजूद है, गैब नहीं है। तो उन्होंने वो तलाश शुरू की। इसी तरह मंसूर ने भी सूरह इखलास जो कुरान में है, कि जो अल्लाह है वो एक ही है और उसके सिवा कोई अल्लाह नहीं है, और वो है कि उसी से ना कोई चीज पैदा हुई ना वो किसी से पैदा हुआ। तो उस मंसूर को हुआ तो कि फिर मैं कौन हूँ, फिर खुदा ही है और कुछ भी नहीं है और उससे कोई भी चीज पैदा नहीं हुई है और ना वो किसी से पैदा हुआ है, तो मैं कौन हूँ। तो जो जैसे कि नासिर उसको हसन बिन सब्बा ये इसना शरीफ थे, लेकिन उनकी वो खोज थी, वो जाहिर में परहेजगार थे, अच्छे लोग थे, तो उनको दूसरा जन्म लेके इस्माइली मतलब में नहीं आना पड़ा, वही जन्म में वो इस्माइली हो गए और उनका रूह का काम हुआ। इसी तरह सलमान फारस था, वो पारसी था, ईरानी था, आग की पूजा करता था,
लेकिन उसको रसूलुल्लाह की शनाख्त हुई और रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा और मुसलमान हुआ और असल मकान पे पहुंचा। मंसूर भी सुन्नी था, सिया भी नहीं था, इस्माइली भी न था, लेकिन वो भी असल मकान पे पहुंचा। हजरत इमाम आका सुल्तान साहब ने, करीमा इमाम ने भी उसको याद किया, हजरत इमाम आका सुल्तान ने चार मरतबा उसको याद किया फरमान के अंदर। और कितने हजार साल हो गए, कितने लोग वो मकसूद पे पहुंचे, इसमें हजरत ईसा, हजरत रसूल, मंसूर, शम्स और दुनिया के चंद अफराद पहुंचे। उसमें मंसूर का भी नाम लिया कि वो भी फना फिल्ला हुआ, राइट। लेकिन हमको मौला ने बता दिया है कि ये फेरफार वाला है, तो हमको मौला के फरमान पे ही ध्यान देना है। लेकिन मौला ने, चलो सिमर यजीद की बात बोल के मौला ने वहां तक बात नहीं रोकी। मौला ने फरमाया कि अभी भी जब ये मौला ने फरमान फरमाया और आज भी हम पढ़ रहे हैं, तो मौला ने फरमाया अभी भी सिमर और यजीद है। तो ये जो वाकिया थे 1400 साल पहले के, उसको मौला देके मौला ने फरमाया कि हम जाहिरी नसीहत करते हैं और आपको पूरे पूरे फरमान करते हैं। तो जो किस्सा कहानी है उसमें आप मक्स पढ़ो, तो उसका मक्स पढ़ना चाहिए। तो देखो हम ये कहते हैं हमारा कुरान मौला के फरामीन है, तो अगर जैसे यजीद कुरान पढ़ता था इस तरह हम भी फरमान पढ़ते हैं मौला के, जैसे सीमर को कुरान याद था इस तरह हमको भी फरमान कलाम याद है। तो सिर्फ पढ़ना और याद करना वो काफी नहीं है। तीसरी बात ये क्या है, जो पैगंबर की औलाद के दुश्मन थे वो क्या है? तो पैगंबर की औलाद की बात करते हैं तो हजरत बीबी फातिमा खातून जन्नत हजरत रसूलुल्लाह के उनके डॉटर थे, और उनसे हजरत इमाम हुसैन और खुदा बिन नूर मौलाना शाह करीम अलोशमी, हमारी मौला की इमामत आज भी जारी है और हमेशा कयामत तक दिन तक जारी रहेगी। तो और पैगंबर की औलाद के दुश्मन थे, तो पढ़ते थे, याद था कुरान, लेकिन पैगंबर की औलाद की शनाख्त न थी, उस लिए दुश्मन थे। तो आगे बात आती है दुश्मन की, तो इलम में क्या बात आती है कि हमारे फरामीन जो पढ़ने और उसके मायना निकालने की मना करते हैं वो दिन के दुश्मन है। तो देखो पढ़ना और याद करना उससे भी आगे है कि मायना निकालना। मायना निकालना यानी उसकी समझ हासिल करना, यानी सोचना। तो सिर्फ पढ़ना याद करना काफी नहीं है, उसको सोचना चाहिए और उसमें से गहरा इल्म और रूठी सच्ची समझ, जो मौला फरमाते हकीकती समझ, वो हासिल करनी चाहिए, राइट। अभी ये इलम को हम और भी ध्यान से पढ़ेंगे तो हमारी समझ में आएगा। तो इसके रिलेटेड हमें दूसरे थोड़े फरामीन लेते हैं। तो आपके पास किताब लेके बैठे हो तो कलामुद्दीन पार्ट वन फरामीन नंबर पांचवा आपको पेज नंबर 15 है, तो मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ इसके बारे में, हम थोड़ी और डिटेल में आसानी से समझ पाए उसलिए। तो पेज नंबर 15 है, फरामीन नंबर पांचवा है, तो उसमें मौला फरमाते हैं करबला में बदी जातना माणसो होता तेमा केटला को इमाम हुसैन ने इमाम कहता था। मौला फरमाते करबला में सब जात के लोग थे, उसमें से कई लोग इमाम हुसैन को इमाम कहते थे। तो जब मौला करबला गए और मौला की बैयत की, लेकिन लोग यजीद और सिमर की बातों में आ गए, दुनिया की लालच और मोहब्बत की वजह से मौला का दामन छोड़ दिया और मौला को ही शहीद कर दिया। तो वो बात का जिक्र करके मौला मुर्तजा अली अपने 48वें जोमे में खुदा बिन गणी सलामत दाता आगा सुल्तान मोहम्मद शाह के जोमे में मौला फरमाते कि करबला में सब जात के लोग थे, उसमें से कई लोग इमाम हुसैन को इमाम कहते थे। तो इमाम भी कहने वाले थे, तो हम भी करीम आदर इमाम को इमाम कहते हैं, फरामीन मुबारक को इमाम कहते हैं, राइट। सब में से जैसे सब मुसलमान थे उसमें से कई लोग इमाम हुसैन को इमाम कहते थे, राइट। अभी आगे देखो तो उसके लिए मौला ने एक बैयत कह के सुनाई, उसकी मतलब ये थी, इस तरह मौला फरमाते कि इमाम इमाम कहते थे
लेकिन अपने इमाम को शहीद किया कि जो इमाम इमाम कहते थे कि हजरत इमाम हुसैन आप ही हमारे इमाम हो, उन्होंने ही अपने इमाम को शहीद किया। तो मैंने आपको फरामीन की याद ही दी कि हमारे फरामीन लिखो पढ़ो और उस पर अमल करो, तो फरामीन को जिंदा रखा, ऐसा कहा जाएगा ऐसा नहीं करोगे तो आपने उसे मार दिया, ऐसा कहा जाएगा। अभी आगे मौला फरमाते हैं, सिमर भी खुदा को याद करता था और कहता था कि मैं आपका बंदा हूं, फिर भी उसने अपने मौला को शहीद किया। देखो तो दरो शिमर की बात आती है तो देखो, ये दायर में इतने पाबंद थे, शरीयत ही थे, लेकिन पैगंबर की औला जो हजरत इमाम हुसैन उनकी शनाकत नहीं थी। तो आकालीशा बाबा फरमान में फरमाते, मुंबई का फरमान है, आकालीशा बाबा फरमाते कि हे जमातो, आप जहूरात की मुझे कहते हो मौला आप जहूरात करो जहूरात करो, लेकिन मौला ने फरमाया कि अगर मैं जहूरात करूं तो ये मुंबई के अंदर 1000 सिमर निकले, ऐसा है कि हजरत इमाम हुसैन को तो एक सिमर ने शहीद किया था, अगर मैं जहूरात करूं ना तो यहाँ 1000 सिमर निकले, ऐसा है मौला ने फरमाया। तो आप ईमान की सलामती के साथ छिल्ला दम निकले, ऐसा मांगो मौला ने फरमाया। ये जो सिमर था, एक आकालीशा बाबा को दूसरा फरमान है, ये सिमर क्या करता था पता है? वो जाहिर में इतना पाबंद था, इतना शर्ती था कि वो अपने पैरों में है ना घुघरे बांधता था, जो जानजर बोलते है ना, बड़ी आवाज करता है, घुघरे बांधते हैं जो नाचने वाले होते हैं, जो नाचते हैं तो घुंघरू बांधे होते हैं, उसका आवाज आता है, तो अपने पैरों में घुंघरू बांधता था वो सिमर। क्यों? कि वो जब चलता था तो वो कहता था कि मेरे घुंघरू की आवाज से रास्ते में जो कीड़े मकोड़े आते हैं ना वो मेरे रास्ते से हट जावे और मेरे पैर के नीचे दब नहीं जावे, मर नहीं जावे और मुझे गुनाह नहीं लगे। खुदा के हाथ थे लेकिन अभी नहीं है कि हम डरे। तो देखो और भी एक बात आई कि सिमर मौला मुर्तजा अली को खुदा का हाथ मानता था, यानी यदुल्ला, मौला मुर्तजा अली का लकब है यदुल्ला, यानि मौला मुर्तजा अली खुदा के हाथ है। हम अपने हाथों से कुछ काम करते हैं ना, तो खुदा अपने काम मौला मुर्तजा अली के रूप में करता था, यानि मौला मुर्तजा अली सही खुदा बिन आदमीन है। तो खुदा ने मौला मुर्तजा अली का रूप लेके ये सारे जंगे फतेह की और ये बताया कि मैं ही सही खुदा बिन आदमीन हूँ। और तो ये सीकर मानता था कि मुर्तजा अली खुदा के हाथ थे यदुल्ला, लेकिन क्या बोलता है वो कुछ अभी नहीं है। तो देखो सिमर में यह समझ नहीं थी। अब ये सारे फरामीन है ना, हम समझे हमारे पहले में कि हमारा ईमान ऐसा है, हम मौला मुर्तजा अली को करीम हाजिर इमाम, सब इमाम मौला मुर्तजा अली है, तो हमको मौला मुर्तजा अली का पहला जुमा अलग दिखाई देता है, हजरत इमाम जाफर सादिक अलग दिखाई देते हैं, हजरत इमाम मुईज अलग दिखाई देते हैं, हजरत इमाम रुकनुद्दीन खुर्शा अलग दिखाई देते हैं, हजरत इमाम खलीलुल्ला अलग दिखाई देते हैं, हजरत इमाम आका सुल्तान मोहम्मद साहब अलग दिखाई देते हैं, करीम हाजिर इमाम अलग दिखाई देते हैं। तो हमारी भी असगरफुल्ला, हमारी भी हालत वही है।